अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू टिक्की, यानी कि जो कटलेट्स कह सकते हैं, जो बाज़ार से टिक्कियां मिलती हैं नान के साथ, बाज़ार से लेके खाते हैं चटनी के साथ, गरम गरम टिक्कियां गोल वाली, उस तरह की मैं आपको सेम टू सेम बाज़ार वाली बनानी बताऊँगी। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, आलू लिया है मैंने बॉयल करके, मैंने इसको मैश कर लिया है, तकरीबन आधा किलो मेरे आलू हैं। बेसन लिया है मैंने 5 टेबलस्पून, आप एक कप ले लें, हाफ कप ले लें, वो आपकी चॉइस है। 1 टीस्पून हम लेंगे नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें सुरख, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन, सब्ज़ धनिया लेंगे जिसको लेके काट के मैंने रख लिया है, आलू के मसाले के अंदर हम डालेंगे। जी आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हैं उनको पकड़ेंगे, उसके अंदर डालेंगे नमक, डालेंगे कुटी हुई मिर्चें सुरख, गरम मसाला पाउडर, और अजवाइन। आप अजवाइन का पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, मैं साबुत ही डाल रही हूँ। और डालेंगे सब्ज़ धनिया, आपके पास अगर सब्ज़ मिर्च है तो आप वो भी डाल लें, अनारदाना है तो वो भी डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन के अंदर 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स करके सिंपल पानी से इसको घोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह इसको आपने बीट करना है, इसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारा बेसन मिक्स हो चुका है, इस तरह का मिक्स करके ये देखिए इस तरह की फॉर्म में इस तरह होना चाहिए, देखिए ठीक है। मिक्स करके तो आप इसको साइड पे रखें, आपके सामने मैं बनाऊंगी जो हमारा आलू का मसाला मिक्स हो चुका है, इसके टिक्कियां बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बाज़ार से उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी, ये देखें इस शेप की बना के नान के साथ बाज़ार से देते हैं, और वो सफाई का तो आपको पता है ख्याल नहीं रखते ना, वो मज़े की होती हैं, घर में बनाएं तो बहुत मज़े की होती हैं, साफ़ सुथरी खुद ही बना के खाएं मेरे स्टाइल की। ये देखें इस तरह की मैं बाकी की भी बना लेती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, ये देखें बना ली है मैंने आलू टिक्की, इसको अब बेसन के अंदर डिप करके ऑयल में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे चम्मच की मदद से, हम दूसरी टिक्की भी डाल देंगे।
इसी तरह मैं सारी डाल देती हूँ। टिक्की की करेंगे साइड चेंज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ये सारी मैंने डाली हुई है, इनकी सबकी साइड मैं चेंज कर दूंगी। थोड़ी गोल्डन होती है तो निकाल देते हैं जी। ये देखें हमारी टिक्कियाँ आलू कटलेट, ये देखें कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे भाई जी। देखें मेरे आलू टिक्की यानी कि नान टिक्की जो बाज़ार से मिलती है, ये देखें कितनी प्यारी है, देखें आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी खूबसूरत सी मज़े की बन गई है। ये देखें सब्ज़ चटनी है, कब्ज़ मिर्च और पुदीने की धनिया की चटनी के साथ आप इसको खाएं, नान के साथ गरम गरम नान के साथ खाएं जाएगा जी। खा के दिखाती हूँ आपको ये तोड़ के, ये देखें मज़ेदार सी हमारी टिक्की, ये देखें कि मज़ेदार सब्ज़ चटनी के साथ खाएं। इसके साथ तो चटनी होती है इमली की, आलू बुखारे की, जिसकी मर्ज़ी बनाएं, दही की बनाएं, ये देखें मैंने दही की बनाई है, मज़ेदार खाएं बनाएं। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।